Hey friends, welcome back to my channel. My name is Shraddha Marathe and आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ questions जो आपने पूछे थे. तो question यहाँ पे है, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ. Question is, ma'am, मेरे पास एक short party dress है, shining one, above the knee, and my problem is my legs are unwaxed, dusky skin, uneven and healthy body. तो क्या मेरे size का भी stocking मिलेगा और कौन से color की stocking suit होगी मुझे मेरी dusky skin को? अगर white लेती हूँ तो क्या अंदर से black legs दिखेंगे? I'm totally confused, never used stocking before. Please help me for plus size women. Of course. कि जब भी हम stocking choose करते हैं तो tip number one is always choose a stocking color which goes according to the ड्रेस हेमलाइन. मतलब जो आपकी ड्रेस की जो हेमलाइन है, बॉर्डर्स है, उससे मैच अगर आप स्टॉकिंग्स चूज करोगे तो दैट विल रियली हेल्प यू. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डार्क स्किन टोन एंड डस्की स्किन टोन. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, हमारा ऐसा मिथ है कि जो डार्क स्किन टोन होते हैं वो सारे डार्क होते हैं, बट नहीं, उसमें डस्की स्किन टोन भी है. तो उसका डिफरेंस क्या है? जनरली डार्क स्किन टोन्स आर व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शंस एंड दे टेंड टूवर्ड्स पेल व्हाइट कलर और येलोइश, ऐसे टोन्स होते हैं. और डस्की स्किन टोन्स आर मोर टूवर्ड्स द फैमिली ऑफ ब्राउन कलर. तो अगर आपकी डस्की स्किन है और प्लस साइज है तो नीड नॉट वरी, ये वीडियो आपके लिए है. वीडियो एंड तक पूरा देखना. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना. जनरली द स्टॉकिंग्स विच वी वेयर आर द न्यूड पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, सो ये कलर के होते हैं. बट फॉर डस्की स्किन्स वी हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस विच वी कैन ट्राई. फर्स्ट ऑप्शन इज ओपेक स्टॉकिंग्स. इस तरह के ओपेक स्टॉकिंग्स ये कलर में, मतलब ये थोड़ा ग्रेइश कलर है कि कोई भी ड्रेसेस हो उसके अंदर आप ओपेक कलर, ओपेक ग्रे कलर के स्टॉकिंग्स पहन सकते हो या फिर ब्लैक कलर के स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हो. द सेकेंड ऑप्शन इज द ब्लैक शियर स्टॉकिंग्स आप पहन सकते हो. कोई भी ड्रेसेस के साथ बहुत आराम से ये कैरी होते हैं. अगर आपकी डस्की स्किन है तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर ब्लैक शियर स्टॉकिंग्स. अनदर वेरी नाइस ऑप्शन इज कि थोड़ा सा डार्क टैन कलर होता है स्टॉकिंग के अंदर. सो दिस इज एक्चुअली नॉट न्यूड, आई विल शो यू द डिफरेंस. सो हियर यू कैन सी दिस इज न्यूड एंड दिस इज अ डार्कर शेड देन द न्यूड. सो गो फॉर डार्कर शेड्स ऑफ विच वुड डेफिनेटली मैच योर डस्की स्किन टोन. तो ऐसे टाइप की कलर्स आप यूज कर सकते हो. तो कोई भी शॉर्ट ड्रेस अगर आप पहनो तो बेझिझक, यानी विदाउट एनी वरी, यू कैन वेयर डार्कर शेड्स. देर आर कपल ऑफ ऑप्शन यू कैन चेक आउट. सो एज यू सेड दैट वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड रेड ऑफकोर्स इज अ वेरी ब्राइट कलर फॉर एनी स्किन कलर टोन. सो रेड के साथ मैंने ब्लैक शियर स्टॉकिंग्स को पेयर किया है. उसके साथ मैंने ग्लव्स भी पहने थे. आप एक लॉन्ग जैकेट के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हो. व्हेन आई टॉक अबाउट हेम ऑफ द स्टॉकिंग, हियर व्हाट आई एम टॉकिंग, जो सूट पे, कोट पे, ब्लेजर पे जो हेम है वो स्टॉकिंग के साथ मैच हो रहा है. और भी ज़्यादा प्लस साइज के ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो. शाइनी ब्लैक शॉर्ट ड्रेसेस के साथ आप इस तरह से स्टाइल क्रिएट करोगे तो बहुत ही एलिगेंट, रिच एंड एलीट लुक देता है. पार्टी वेयर्स के लिए ब्लैक रेड कलर्स बहुत ही कॉमन और ब्यूटीफुल लगते हैं. एनी टाइम आप एक ओवर साइज्ड कोट या जैकेट के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हो. बहुत ही एलीट, फैंसी, हैपनिंग और स्टाइलिश लुक देता है. देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस ऑफ कलर्स दैट यू कैन चूज आर लाइट ब्राउन्स, लाइट ब्राउन आलमंड कलर्स, हनी ब्राउन, ब्राउन शुगर, कैफे ब्राउन, डार्क चॉकलेट ब्राउन, ऐसे शेड्स आप यूज कर सकते हो जो डस्की स्किन के लिए बहुत ज्यादा सूट करते हैं. एंड आपने एक और चीज पूछी थी कि व्हाइट आप पहन सकते हो, तो आई वुड से कि व्हाइट को आप अवॉइड करके अगर डार्कर शेड्स में इन्वेस्ट करोगे कुछ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ये जो मेरा चैनल है, दिस इज बेस्ड ऑन फैशन, स्टाइलिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल, फैशन, एवरीथिंग. बट सम पीपल वुड ओनली वॉन्ट टू वॉच क्लोजअप शॉट्स ऑफ यू नो स्टॉकिंग्स और मतलब ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं. बट माई पर्सनल इंटेंशन इज टू जस्ट फोकस ऑन द यूजेस, द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉकिंग्स एंड ऑल्सो हेल्प यू गाइज. ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प द वुमेन आउट देयर. आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टॉकिंग को हम कैसे डिफरेंट स्टाइल से एक एलीट और फैशनेबल लुक दे सकते हैं और उसका यूज भी अच्छे से हम कर सकते हैं. यही मेरा पूरे वीडियो में या स्टॉकिंग के वीडियोज में इंटेंशन है. एंड होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर.
तो फिर भी अगर आपको मेरे चैनल पे रहना पसंद है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू गो विथ माई प्योर इंटेंशंस ऑफ मेकिंग वीडियोस. अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो अगर आपको पसंद है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.